हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम कुछ हार्वेस्टिंग कर रहे थे, ये टमाटर हमारे पक गए हैं, एकदम ही गिरने वाले हैं, तो सोचा कि लाओ आज इसको हार्वेस्ट कर लें। ये कितने छोटे में लगा है फ्रेंड, देखिए बहुत ही छोटे से टब में है और इसमें माशाल्लाह इतने अच्छे से टमाटर भी लग गए हैं और बहुत ही अच्छे हैं, रस भरे। और पालक भी ये बढ़ नहीं रही है ज़्यादा अच्छे से, इसमें एक दो बार हार्वेस्टिंग की है तो इसको निकाल देंगे फ्रेंड्स, दूसरा कुछ लगाएंगे इसमें और इसको निकाल देंगे जड़ से पूरी। कहीं कहीं सोया भी है और पालक भी है, बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई थी। तो पहले पहली हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी थी, उसके बाद पत्ते थोड़ा रुक गए हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। गोबर की खाद ख़त्म हो गई है तो डाला नहीं है अभी। इधर जो हमारे यहाँ बकरी है उसकी मैंगनी हो गई है, ज़्यादा से क्यारी में रखी है, डाली है, तो वो जो थोड़ी जब डिकम्पोज हो जाएगी तो उसको डालेंगे, वो बहुत ही अच्छी होती है पौधों के लिए। वो कहते हैं कि कई साल तक इस खाद का असर रहता है मिट्टी में और जल्दी असर जाता नहीं है, बहुत ही फ़ायदा करता है, तो वही डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो कटिंग लगाई थी उसमें फ्लावरिंग हो रही है और साथ में ये गेंदे वाली भी और मेथी, बहुत अच्छे से हमारी तैयार है फिर से हार्वेस्टिंग के लिए। अभी इसको किसी दिन करेंगे हार्वेस्ट, आपको दिखाएंगे। और पालक जो बहुत बड़े बड़े से पत्ते हो रहे हैं, पीले हो जाएंगे अगर हार्वेस्ट नहीं करेंगे इसको, तो वो भी हम ले लेंगे। ये दूसरे डब्बे में है जिसमें गोभी है, गोभी अच्छे से चल रही है, मटर भी है इसी में, पालक भी है और मूली तो ज़्यादा से है इसमें, वो भी जब ये सब निकाल लेंगे तो मटर अच्छे से बढ़ेगी। अभी छोटी छोटी से है मटर और अच्छी खासी हार्वेस्टिंग हो गई है। ये पालक अच्छे से हमें मिल गया है आलू पालक बनाने के लिए, और टमाटर दो हैं। तो चाहे कम ही हार्वेस्टिंग हो लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है, जब हार्वेस्ट करते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और ये मिट्टी हमने ये सारी पालक निकाल के और दूसरी चीज़ लगाएंगे इसमें, तो बहुत ही अच्छी मिट्टी है ये, भुरभुरी सी। इसमें और खाद डालेंगे तो वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स।